लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने CAA को लागू कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने कल यानी सोमवार 11 मार्च को अधिसूचना जारी की। CAA को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी। इसके 4 साल बाद इसे लागू किया गया है। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा। बगैर दस्तावेज के इन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। देश में CAA लागू होने के बाद दिल्ली के लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमित। अमित जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। अमित जी, CAA का कानून जो है वो 4 साल पहले जो है उसका बिल जो है वो पास हुआ था पार्लियामेंट में, मगर उसे लागू नहीं किया गया था, उसके रूल्स नहीं आए थे। आज आ चुके हैं, बस कुछ मिनट पहले आए हैं। क्या अभी जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो अच्छा है, मेरे हिसाब से सही है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब बनता था कि जो हमारे देश के बाहर के रेफ्यूजीज थे, जो इंडिया मतलब हिंदू थे, सिख थे, बाकी के लोग थे, उनके साथ जो गलत हो रहा था इंडिया से बाहर, अब एटलीस्ट इंडिया में आएंगे तो उनके साथ सेम वो रहेगा अपना, जैसे हम लोगों के साथ होता है सेम। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं का जो है? मोदी जी के लिए तो क्या ही कहना, मतलब ही इज द बेस्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय खेर है। संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले CAA का जो है वो कानून लग गया है, हमारे देश में लागू हो गया है कानून, तो क्या कहना चाहेंगे? वंडरफुल, एक्सेलेंट, ग्रेट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि जो है, मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर से ही हूँ, ये जो हिंदुस्तान है, हमारा भारतवर्ष है, ये सब भारतीयों के लिए है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, मगर हमको मालूम है कि भाई कि जो माइनॉरिटीज है, जैसे कि सिख भाई है, जैसे कि हमारे जैन भाई है, जहाँ पर बुद्ध भाई है, बुद्धिस्ट है, और क्रिश्चियंस है, और हिंदूस है, वो बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं कुछ एक मुल्कों में, जो कि हमारे जो कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो जो कि हमसे हमारे बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं, और उधर में जो कि 35% पहले पॉपुलेशन थी 47 में, ये एकदम पूरा प्रूफ है कि वो आज एकदम 2-3% हो गई है। इसलिए ये मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस चीज का संज्ञान ले लिया और उन्होंने इस कानून को तो पहले पार्लियामेंट से उन्होंने पास करवा दिया और अब रूल्स बनाकर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए सही वक्त पर सही टाइम पर उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया। हम तो इसके लिए बहुत खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? बीना नाम है। सर, CAA का कानून जो है वो लागू कर दिया गया है, उसके रूल्स आ गए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, सही है रूल, जो भी होना चाहिए लागू तो होना चाहिए। हाँ, 4 साल पहले जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया था बिल, मगर 4 साल लग गए इसे लागू करने में। जी जी, वो तो फिर उसकी वजह से हुआ ना, डिले वगैरह, कई विपक्ष पार्टी वगैरह जैसे उस तरीके से होता रहा। क्या बोलना चाहेंगे? अमित शाह जी, होम मिनिस्ट्री ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है अभी अभी थोड़ी देर पहले, ये ट्वीट भी हो चुका है जी, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? सही है, उनको पहले कर देना चाहिए, चलो अभी भी किया था, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आपका नाम सर? सुमन कौल। सुमन साहब, अभी CAA का जो है वो जो रूल है वो लागू हो चुके हैं, कानून 4 साल पहले पास हुआ था पार्लियामेंट से, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, दिस इज अ वेरी गुड लॉ, एट लीस्ट सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री आर प्रोटेक्टेड, अदरवाइज एवरीबॉडी इज कमिंग टू इंडिया, दे हैव द फ्री फंड कंट्री, देयर आर बांग्लादेशी, देयर आर दैट व्हाट आर दे कॉल्ड, रोहिंग्यास, आई सॉ देम इन जम्मू, दे आर मोर इन नंबर्स देन द कश्मीरी पंडित्स। ये इनिशिएटिव लिया था 4 साल पहले और अब जो है उसे लागू कर दिया गया, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो मोदी, देखो because it is a multilingual country and their population, he wanted to see the reactions, usne matlab bata diya, jaise next up hai population control par, isme bhi wo filler dal diya, jaise Uttarakhand mein hua to filler dal ke ab Assam bhi apply kar, so filler karke wo phir national law banayega isko, to wo to dekho feedback, jaise aap feedback lete hain usko bhi lena padega, after all he is also a countryman।